ओके स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। लास्ट वीक हम लोगों ने चैप्टर वन एंड चैप्टर टू फिनिश कर दिया था, जिसमें हमने देखा था कि किस तरह से हम कंपोज़र का यूज़ कर सकते हैं और कंपोज़र का यूज़ करके विदाउट कोडिंग कोई भी वेब पेज या फॉर्म बना सकते हैं। और उसके बाद हमने फॉर्म में इंटरएक्टिविटी करने के लिए जावास्क्रिप्ट को समझा था, किस तरह से जावास्क्रिप्ट का यूज़ करके हमने वैलिडेशन का उपयोग किया था, किस तरह से हमने कोई इंटरेक्टिव वेब पेज बनाया था, राइट। तो आई होप यू रिमेंबर ऑल दीज थिंग्स। सो इससे आज आगे बढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 3 शुरू करेंगे, जो कि है हमारा डिज़ाइनिंग द सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोज़र। तो इसमें हम सीखेंगे किस तरह से हम कोई वेबसाइट डिज़ाइन कर सकते हैं। रिमेंबर वेबसाइट डिज़ाइनिंग, यहाँ पे फिर से हम कोई कोडिंग नहीं करेंगे, बट इम्पॉर्टेंट ये है कि वेबसाइट क्या होता है उसका लॉजिक समझेंगे, राइट, कि वेबसाइट में क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह से वो बनाई जाती हैं और किस तरह से वो डेवलप की जाती हैं, और वेबसाइट क्या है वो चीज़ें हम समझेंगे, और उस चीज़ों को समझते हुए हम ये वेबसाइट डिज़ाइन भी करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 3। इसमें क्या क्या बताया हुआ है कि जो कंटेंट इम्पोर्टेंट है उसको हाईलाइट किया हुआ है। तो मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि वेबसाइट क्या होती है। वेबसाइट इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक वेब पेजेस फॉर अ स्पेसिफिक पर्पस। कोई भी वेबसाइट होती है वो किसी न किसी पर्पस से बनी हुई होती है, वो काफ़ी सारे वेब पेजेस आपस में कनेक्टेड होते हैं, हम उसको जनरली बोलते हैं अ वेबसाइट, राइट। तो वेबसाइट बनाने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें सोचनी चाहिए होती हैं, क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी चाहिए होती है, उसको हम यहाँ देखते हैं। कि सबसे पहले प्लानिंग फॉर द वेबसाइट, प्लानिंग फॉर द वेबसाइट का क्या रोल है। डेवलपिंग अ गुड वेबसाइट इज़ लाइक अ प्रोजेक्ट सिमिलर टू एनी अदर प्रोजेक्ट एंड रिक्वायर्स डिटेल्ड प्लानिंग। कोई भी हम प्रोजेक्ट लाइफ में बनाते हैं या करते हैं, प्लान करते हैं, जिस तरह से कोई प्लानिंग की जाती है उसके लिए हम अलग अलग लेवल तक सोचते हैं, वैसे ही वेबसाइट डिज़ाइनिंग भी एक प्रॉपर प्लानिंग इन्वॉल्वमेंट होता है। हमें क्या क्या डिज़ाइन करना है, क्या क्या कंटेंट होना चाहिए, क्या पर्पस है, बहुत सारी चीज़ें हैं, किसके लिए हम बना रहे हैं, किस तरह की वेबसाइट होनी चाहिए, कौन से मीडियम में चलनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हमें पहले प्लान करनी होती हैं। इनमें सबसे पहला हमारा जो प्लानिंग का जो पॉइंट है यहाँ बताया हुआ है टेक्स्ट बुक में, वो बताया हुआ है पर्पस। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ पर्पस, ये पर्पस ऑफ वेबसाइट क्या है। द पर्पस ऑफ द वेबसाइट शुड बी क्लियरली आइडेंटिफाइड, यानी जो डेवलपर है वेबसाइट बना रहा है उसको पहले पता होना चाहिए कि मैं किस पर्पस से बना रहा हूँ, राइट। कि हम कोई वेबसाइट बना रहे हैं कि वो स्पेसिफिक ग्रुप के लिए बन रही है, स्पेसिफिक लोगों के लिए बन रही है, जैसे यहाँ दिया पर्पस ऑफ क्रिएटिंग वेबसाइट मे बी टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन टू अ ग्रुप ऑफ पीपल, राइट। तो और इट मे बी अट्रैक्ट द न्यू कस्टमर और इट मे बी सेल द प्रोडक्ट्स ऑनलाइन, कोई भी पर्पस हो सकता है, राइट। वो किसी एक ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ की हो सकती है, कोई सेलर की हो सकती है, कोई सेलिंग वेबसाइट हो सकती है, कोई सर्विस प्रोवाइडिंग हो सकता है, कोई एजुकेशनल हो सकता है, एनी पर्पस इज़ वॉट द पर्पस दैट प्री डिसाइडेड पर्पस फॉर एनी काइंड ऑफ वेबसाइट। सो हैविंग डिसाइडेड द पर्पस द कंटेंट एंड लेआउट ऑफ द वेबसाइट कैन बी प्रॉपरली डेवलप्ड। तो एक बार पर्पस क्लियर हो जाता है तो उसके बाद हम क्या है उसका कंटेंट और लेआउट बना सकते हैं और उसको डेवलप कर सकते हैं। तो पर्पस के पास रिक्वायरमेंट आती है ऑडियंस। नाउ ऑडियंस का मतलब क्या होता है, बिफोर वी स्टार्ट डिजाइनिंग वी शुड नो दैट एक्सपेक्टेड यूजर्स ऑफ द वेबसाइट, हमारे वेबसाइट के यूजर्स कौन होंगे उसको हम ध्यान दे सकते हैं। द वेबसाइट शुड कंटेन बोथ जनरल एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन, इट शुड ऑल्सो कंटेन स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक डेटा। वॉट इट मीन्स जनरली, ये जनरल इन्फॉर्मेशन और क्या बोला है ध्यान से देखो, डिटेल इन्फॉर्मेशन। डिटेल इन्फॉर्मेशन का मतलब जब भी अगर मैं आपको कोई ऑनलाइन वेबसाइट दिखाता हूँ, जस्ट होल्ड, अभी आपको मैं एक वेबसाइट दिखाता हूँ। देखिए ये एक वेबसाइट है, ये है yahoo.co.in या yahoo.com भी ये है। यहाँ आप यह देखेंगे तो एक ऑप्शंस दिए हुए हैं, ये हमारा होम पेज है याहू का, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो कुछ हाईलाइट ऊपर कुछ दिए हुए, नेविगेशन बार दिया हुआ है, यहाँ से चेंज कर सकते हैं। यहाँ जनरल में दिया है दिल्ली, आप MLA इनॉग्रेट स्पीड ट्रैकर गेट स्ट्रोल्ड, ये है। अगर आप इसको क्लिक करेंगे, ये जनरल व्यू है, इसको क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये डिटेल में आ जाएगा। दिस इज़ व्हाट डिटेल इन्फॉर्मेशन, अगर पूरा का पूरा न्यूज़ पढ़ना है तो हम यहाँ देख सकते हैं पूरा का पूरा लिखा हुआ है। देखिए ऐसा, और फिर से मैं बैक करता हूँ होम पेज पे, देखेंगे जितना देखेंगे हर जगह पे एक सिंपल, यहाँ पे पहले आप देखेंगे तो कुछ जनरल इन्फॉर्मेशन आ रहा है, जैसे ही कोई न्यूज़ या किसी चीज़ पे हम क्लिक करेंगे वो डिटेल इन्फॉर्मेशन खुल जाएगा।
तो इसको हम बोलते हैं जनरल एंड डिटेल इन्फॉर्मेशन। दोनों तरह की इन्फॉर्मेशन हमारी वेबसाइट पे होनी चाहिए, राइट। इट इज़ लाइक दैट। सो मूविंग अहेड, आगे क्या है? हाँ, कंटेंट। वेबसाइट कंटेंट क्या होता है? कंटेंट ऑफ द वेबसाइट इज़ लाइक दैट, द वेबसाइट मस्ट कंटेन कंप्लीट एंड रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन। एक्सेसिव यूज ऑफ रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैन कॉज द फ्रस्ट्रेशन। वॉट जनरली इट मीन्स, जनरली क्या होता है कि जब हम कोई इन्फॉर्मेशन रखते हैं या कंटेंट रखते हैं, उसकी रिलेवेंसी का मतलब क्या होता है? लेट मी गिव एन एग्जाम्पल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आज हम कुछ आज का न्यूज़ रखते हैं वेबसाइट के ऊपर, और उसके अगर हम डेट ना डालें, उसमें इन्फॉर्मेशन कंप्लीट ना डालें, और वो न्यूज़ कोई एक महीने बाद पढ़े, तो उसमें क्या लगेगा कि भाई न्यूज़ इज़ पब्लिश ऑन वेबसाइट, और वो कंटेंट है एक महीना पुराना। अगर हमने उसमें डेट नहीं डाली तो क्या होगा? वो लगेगा कि आज का न्यूज़ है। लाइक फॉर एग्जाम्पल, अभी जो अगर किसी वेबसाइट पे लिखा हो कि भाई दैट पीएम ऑफ इंडिया हैज़ डिक्लेयर्ड समथिंग, तो अब यहाँ पे पीएम ऑफ इंडिया आज प्रेजेंट में क्या होगा? नरेंद्र मोदी जी का है। लेकिन वहाँ पे अगर किसी से देखा हो नरसिम्हा राव जी का, बहुत पुराना हो गए, या चलो अभी रिसेंटली जो थे हमसे, इनसे पहले पीएम थे हमारे इंडिया के, श्री मनमोहन सिंह जी का नाम लिखा हो, तो कैसा लगेगा कि भाई हाँ अभी भी ये पुराना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। तो एक तो डेट होना चाहिए कई कंटेंट पे है, अदरवाइज क्या है, इरेलेवेंसी, या पुराना डेटा आएगा उसमें दिखेगा तो क्या लगेगा, इन्फॉर्मेशन जो है पुराना है, या वेबसाइट रेगुलर अपडेट नहीं होती है। तो इसलिए रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन नहीं, रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, और एक्सेसिव यूज़ ऑफ इरेलेवेंट इन्फॉर्मेशन कैन कॉज फ्रस्ट्रेशन। कई बार ये भी होता है कि हम बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा ही बता रहे हैं, दैट ऑल्सो कैन कॉज द फ्रस्ट्रेशन फॉर द विजिटर्स। नाउ जैसे देखो, अ वेबसाइट इज़ अ वैल्यूएबल टूल फॉर बिजनेसेस एंड अदर ऑर्गेनाइजेशन व्हेन कंपोज्ड ऑफ द राइट मटेरियल। यानी अगर हमने उस पर कोई राइट सब कुछ लिखा हो, तो कंटेंट अगर परफेक्ट हो, तो वेबसाइट एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टूल होता है किसी भी बिजनेस के लिए। कोई भी अगर इन्फॉर्मेशन अगर हम वेबसाइट पे शेयर करते हैं, रेगुलरली अपडेट रखते हैं, और कोई बाहर से विजिटर आता है तो वेबसाइट पे मटेरियल ढूंढ के आ जाता है, पढ़ के आ जाता है, तो क्या होता है कि कंपनी क्या करती है, क्या प्रोवाइड करती है, सब कुछ उनको पहले ही पता चल जाता है वेबसाइट को गो थ्रू करने के बाद में, राइट। इसी तरह से वेबसाइट के ऊपर इन्फॉर्मेशन जो है एकदम इम्पॉर्टेंट टूल है। नाउ अब नेक्स्ट टूल बोला है मीडियम। नाउ व्हाट्स द मीनिंग ऑफ मीडियम, राइट? मीडियम का मतलब क्या है? यानी कोई इंग्लिश मीडियम या इस तरह की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है द वेबसाइट डिज़ाइन शुड बी स्केलेबल। स्केलेबल का मतलब शुड स्केल ऑल द डिवाइसेस, लाइक कंप्यूटर में चलनी चाहिए, स्मार्टफोन में चलनी चाहिए, टैबलेट्स में चलनी चाहिए, राइट। जिसका दूसरा नाम है रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिसको हम रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। रिस्पॉन्सिव का मतलब इट डजंट डिपेंड ऑन एनी काइंड ऑफ साइज ऑफ द स्क्रीन, इट विल ऑल्सो विल शो प्रॉपरली ऑन कंप्यूटर्स, ऑन स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, राइट। अ वेबसाइट शुड बी कीपिंग इन माइंड दैट इज डिस्प्लेड इन ऑल पॉपुलर वेब ब्राउजर्स। अब ये भी चीज़ होती है कि हमारी वेबसाइट है, हमेशा बनाएंगे तो सोचेंगे क्या कि भाई हाँ गूगल क्रोम में ही चले, मोजिला फायरफॉक्स में ना चले, तो ये सब चीज़ें भी नहीं होती है। तो क्या होती है कि हम ये सोचेंगे कि हमारी वेबसाइट जो है सारे के सारे ब्राउज़र सपोर्टेड होनी चाहिए, वो मोजिला में चल रही है, क्रोम में चल रही है, ओपेरा में है, इंटरनेट एक्सप्लोरर है, यूज़र कोई भी हो, सबको हमारी वेबसाइट एक्सेसिबल होनी चाहिए। तो मीडियम इज़ लाइक दैट, इट इज़ नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक डिवाइस, इट शुड सपोर्ट ऑल द डिवाइसेज एंड इट शुड सपोर्ट ऑल द वेब ब्राउजर्स। आई होप आप सब समझ रहे हैं, राइट? चलिए अब आगे है यहाँ से प्रैक्टिकली हाउ टू डिज़ाइन अ सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर। तो ये तो पूरा प्रैक्टिकल है, मैं आपको प्रैक्टिकल दिखाऊंगा, बिल्कुल करके दिखाऊंगा। यहाँ पे एग्जांपल दिया हुआ है स्कूल प्लाजा, देखिए ध्यान से, स्कूल प्लाजा की एक वेबसाइट बनाने के बारे में बताया, यहाँ पे क्या क्या दिया है, यहाँ कैटेगरीज दिखाई है, यहाँ पे दिया हुआ है अलग अलग स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, राइट, ये सब चीज़ें दिखाया हुआ है। अब जनरली स्कूल प्लाजा इतने बारे में थोड़ी होता है, ऐसे ज़्यादा भी होता है। अब और देखेंगे किस तरह से हम स्कूल प्लाजा में ये सब चीज़ें ऐड करें, राइट। अभी यहाँ पे और देखेंगे किस तरह से ये डिज़ाइन किया जाएगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा दिखाऊंगा किस तरह से वेबसाइट हम बनाते हैं कम्प्लीटली फ्रॉम जीरो टू टिल एंड, सारा का सारा मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह से हम पूरा ये बना पाएंगे, राइट। कि ये शायद एक वीडियो में तो ना हो, दो वीडियो में होगा या दो हफ्ते में होगा मतलब, तो ये सारा का सारा मैं आपको ये दिखाऊंगा, करके दिखाऊंगा, दो सेक्शंस में हमारा होगा ये पूरा का पूरा, ओके। तो लेट अस सी कैसे है, और ये मैंने एक चीज़ बनाई भी हुई है, आपको दिखाऊंगा, लेकिन वो दिखाने से पहले, राइट, मैं आपको क्या कुछ समझाना चाहूँगा। सपोज अज्यूम करो कि हमारी वेबसाइट बन चुकी है,
सो आई विल शो यू दैट थिंग कैसे है, मैं आपको चीज़ दिखा देता हूँ। हमारी चीज़ें, हमारी समझो वेबसाइट बन चुकी है। ये है हमारा एक होम पेज, फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू दिस इंडेक्स पेज। ये स्कूल प्लाजा, ये हमारे पास यहाँ टेक्स्ट बुक में दिया है और उसी का टेक्स्ट बुक का वर्जन का हमने यहाँ पे थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया हुआ है। देखो ध्यान से, ये स्कूल प्लाजा का होम पेज है। जब आप इसको क्लिक करें या देखें, ये होम पे, इसको क्लिक कर रहा हूँ तो होम पे आएगा। इसको देखिए, ये होम पे लेके आया, अबाउट पे लेके आया, फीडबैक पे लेके आया, ये दिख रहा है। अब मैं अबाउट अस पे क्लिक करूँगा तो ये अबाउट अस पे आ रहा है यहाँ पे। अब मैं फीडबैक पे क्लिक करता हूँ तो फीडबैक का फॉर्म आ रहा है। राइट, प्लीज़ प्रोवाइड योर फीडबैक, हाउ डू यू रेट ओवरऑल एक्सपीरियंस, बैड, एवरेज, गुड, जैसे कर दिया। यहाँ कमेंट लिख सकते हैं, राइट, इट इज़ वेरी गुड एक्सपीरियंस बट नीड्स मोर इम्प्रूवमेंट इन सर्टन एरियाज, ऐसे हमने लिख दिया। तो ये फॉर्म डाला हुआ है वेबसाइट में, जहाँ फीडबैक वगैरह दिए हुआ है उसको हमने फॉर्म डाला है। यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, राजीव भाटिया, लाइक दिस लिख दिया, ठीक है, rjbhatia@gmail.com जैसे लिख दिया और कर दिया पोस्ट। राइट, तो पोस्ट हुआ तो कहाँ गया डेटा? ये तो डेटा आपको मैंने बताया हुआ है, अभी तक इससे हमने डेटा कोई कनेक्ट नहीं किया हुआ है। राइट, ये फीडबैक फॉर्म हो गया। ऐसे ही कॉन्टैक्ट अस आ गया, कॉन्टैक्ट अस में देख सकते हैं नाम डाला हुआ है, एक और फॉर्म डाला हुआ है, ईमेल आईडी डाली है, मैसेज डाला हुआ है, पोस्ट करेंगे, ये यहाँ पर लिंक दिया है कि एड्रेस यहाँ पर देखना हो तो देख सकते हैं। ये गूगल मैप से हमने डाला हुआ है। अब यहाँ पर जनरली होम पे क्लिक करेंगे तो होम पे आ जाएंगे। ये होम पे आया, कुछ होम पे कंटेंट है। ओके, नाउ स्कूल बैग्स पे क्लिक करते हैं तो स्कूल बैग्स देखो ये दिख रहा है जैसे टेक्स्ट बुक में दिया हुआ है। बिल्कुल ये आपसे बनवाऊंगा, इसी तरह का एक और वेबसाइट हम बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे। राइट, इसमें कोई कोडिंग यूज़ नहीं की है। कोडिंग यूज़ करने के लिए, राइट, जावास्क्रिप्ट के, जावास्क्रिप्ट को छोड़ के हमने कोई कोडिंग यूज़ नहीं किया है और जावास्क्रिप्ट फिलहाल अभी इसमें यूज़ नहीं किया है। किस तरह से करेंगे, क्या करेंगे, मैं पूरा दिखाऊँगा। वाटर बॉटल्स पे क्लिक करते हैं तो वाटर बॉटल देख सकते हो। यहाँ पे मैं ऐड टू कार्ट क्लिक किया, यहाँ क्वांटिटी दे सकता हूँ दो, लाइक दिस, यहाँ क्वांटिटी दे सकता हूँ ए, ये ऐड टू कार्ट क्लिक किया लाइक दिस। राइट, कंपास बॉक्स हो गए, ये स्टेशनरी मटेरियल हो गया, फाइल्स एंड फोल्डर्स हो गया, बुक्स हो गए, तो कलर्स हो गए। तो सबसे पहले अगर कोई वेबसाइट डिज़ाइन करते हो, राइट, तो आपको क्या कहा गया कि पहले आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग के लिए क्या करते हैं, हम एक चीज़ सोचेंगे क्या क्या चीज़ चाहिए। हमारे पास अगर आप देखें तो इस वेबसाइट में कितने सारे पेजेस बने हुए हैं, मैंने ये सारे पेजेस आपस में जुड़े हुए हैं और ये एक CSS फाइल बनाया हुआ है। तो पहले हम प्लान करते हैं कि हमारे वेबसाइट पे पेजेस कितने होने चाहिए, पेजेस ऑन वेबसाइट, ठीक है, कौन से होने चाहिए भाई। एक तो होना चाहिए अबाउट अस, कि अबाउट अस यानी पेज के बारे में, तो ये देख सकते हैं अबाउट अस है। सबसे पहला तो होम पेज होता है, ठीक है, ये होता है होम पेज। होम पेज के ऊपर हम क्या क्या होंगे, अबाउट अस पे क्या होना, उसके बाद फीडबैक लिया हुआ है देखो, ठीक है, उसके बाद आप चाहो तो रजिस्ट्रेशन फॉर्म कर सकते हो, उसके बाद है कॉन्टैक्ट अस फॉर्म। राइट, ये पांच हो जाएंगे। अब साइड में हमने दूसरे कैटेगरीज के फॉर्म, ये हो गए हमारे नेविगेशन बार, इसको हम ऊपर नेविगेशन बार बोल रहे हैं। एक नेविगेशन बार टॉप का बनाया है, टॉप पे नेविगेशन बार बनाया हुआ है जिसमें ये पाँच आइटम हैं, और एक साइड नेविगेशन बार है जो साइड में हमने कैटेगरी बनाई है। देखो, स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स, ये सब चीज़ें इसमें क्या है, स्कूल बैग्स, वाटर बॉटल्स, राइट, लंच बॉक्स, ठीक है, और क्या है, कंपास बॉक्स, देन वी हैव स्टेशनरी, फाइल्स एंड फोल्डर्स, देन वी हैव बुक्स, एंड फर्दर वी हैव कलर्स। राइट, ये हमारे साइड नेविगेशन बार आ गए। तो आप देखिए कितने पेज होते हैं, ये फर्स्ट पेज हुआ, ये वन, ये सेकंड, ये थ्री, ये फोर और ये फाइव, ये हमारे पांच नेविगेशन पेजेस हो गए ऊपर टॉप नेविगेशन के लिए। और इसके अलावा देखा जाए तो हमने यहाँ भी रखे हुए हैं नीचे, ये है साइड नेविगेशन, स्कूल बैग, वाटर बॉक्स, राइट, वाटर बॉटल, लंच बॉक्स, कंपास बॉक्स, राइट, वी हैव 10 स्टेशनरी, 11 फाइल्स एंड फोल्डर, 12 बुक्स, 13 कलर्स। तो टोटल अप्रॉक्सीमेट 13 जितने पेजेस हैं। अब आप देखिए यहाँ पे कितने हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 एंड 3, 13, देखो है ना। और इसके अलावा ये CSS फाइल है जो इनको जोड़ती है। राइट, CSS फाइल में क्या है, स्टाइलिंग बताई हुई है, स्टाइल एक और बनेगी, स्टाइल डॉट सी एस एस, ये हमारी CSS फाइल लिंकिंग होगी। और इसके बाद हम करेंगे स्क्रिप्ट डॉट जे एस,
जिसके अंदर हम स्क्रिप्ट लिखेंगे जावास्क्रिप्ट। ओके, अब यहाँ पे क्या करना है, इसको भी हम कंपोजर में डिज़ाइन करेंगे। सारे के सारे ये 13 पेजेस जो हैं ये कंपोजर में डिज़ाइन किए जाएंगे। स्टाइल डॉट सी एस एस जो है ये भी कंपोजर में डिज़ाइन किया जाएगा, लेकिन द इम्पॉर्टेंट पार्ट स्क्रिप्ट डॉट जी एस, इसको पूरा कोडिंग किया जाएगा। तो शुरू करते हैं, राइट, किस तरह से हम हमारी चीज़ को इसको करेंगे। तो जैसे मैंने कहा इसके दो सेक्शन होंगे, तो पहले सेक्शन में मैं इसका लेआउट बनाने की कोशिश करूँगा, आप सबको समझ में आए इसलिए, और तैयार करूँगा उस हिसाब से ही करूँगा। और अगर समझ में नहीं आता है तो जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ये लाइव भी हो जाएगा, राइट, वेबसाइट पे इसको होस्ट भी किया जाएगा। तो आप इसको देखना बार बार, जितना बार बार देखोगे उतना समझ पाओगे, राइट। जैसे मैं आपको बता दूं कि मेरा यहाँ पे ऑलरेडी एक साइट आपको बताया हुआ है, youtube.com पे चले जाओ, यूज़र ऑब्लिक नरेंद्र एलियानी, यहाँ पे आपको बहुत सारी प्लेलिस्ट मिल जाएंगी। उस प्लेलिस्ट में से आपका प्लेलिस्ट सुनना है जिसमें आपका ये वीडियो आ जाएगा, राइट। वीडियो यहाँ पे आएगा, लेट मी शो यू, जी एस सी बी करके आएगा, राइट। यहाँ पे जावा, एक तो ये है जावा प्रैक्टिकल्स ओनली फॉर जी एस सी बी 12th स्टैंडर्ड, ये भी आपके लिए जो आगे जावा आएगा, जावा हम पढ़ेंगे। और दूसरा इसमें एक और है जी एस सी बी करके आएगा, लेट मी शो यू दैट थिंग। और मैंने लास्ट टाइम भी आपको शेयर किया था, राइट, इसका पूरा का पूरा लिंक, और उसमें से आप देख लेना। और यहाँ पे लेट मी शो यू जी एस ए बी, ये रहा क्लास 12 जी एस एच एस ए बी। इसमें व्यू प्लेलिस्ट करेंगे तो आप देखेंगे इस प्लेलिस्ट में ये चैप्टर नंबर 3 जो अभी अभी आपको पढ़ा रहा हूँ यहाँ पूरा का पूरा समझाया हुआ है, और ये चैप्टर नंबर 3 का थियरी है, और अभी इस थियरी का भी यहाँ जो एक्सप्लेन किया है इसमें भी एक्सप्लेन किया हुआ है, और इसका प्रैक्टिकल मैं अभी आपको दिखाने वाला हूँ, राइट। यहाँ से भी थियरी पढ़ सकते हैं और आगे बढ़ाऊँगा। चलो प्रैक्टिकल करने से पहले जैसे मैंने आपको बताया, लेट मी शो यू कि ये जो चीज़ हम जो सपोज हमारी वेबसाइट रेडी हो गई है, ओके, इसके पहले का मैं आपको प्रैक्टिकल समझाऊँ, तो आगे इसका इसके आगे का जो थियरी है वो फिनिश कर लेता हूँ, फिर खाली हम सेकंड सेक्शन में देखेंगे इसका प्रैक्टिकल कैसे बनाएंगे। तो ये मान लेते हैं कि हमारी पूरी की पूरी वेबसाइट बन गई है ना। अब आप ध्यान रखिए, वेबसाइट बन गई है इसका मतलब वेबसाइट कहाँ पर है, वो वेबसाइट अभी और कहीं नहीं, वेबसाइट सिर्फ और सिर्फ मेरे कंप्यूटर में है। यानी आप उसको ये समझ लो कि आपने वेबसाइट को बनाया, और वेबसाइट बना के कहाँ डाली, आपके कंप्यूटर में ही तो चल रही है। अगर किसी और थर्ड पार्टी या किसी और यूज़र को देखनी हो आपकी वेबसाइट, तो वो कैसे देख पाएगा, वो तो देख नहीं पाएगा, राइट। तो उसको दिखाने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपने जो अपनी वेबसाइट बनाई है, राइट, वो वेबसाइट करनी पड़ती है हमें पब्लिश। पब्लिश करने का मतलब क्या होता है, पब्लिश करने का मतलब ये होता है कि ये वेबसाइट जो है, राइट, दैट विल बी पुट ऑनलाइन फॉर एंटायर पब्लिक। तो ये वेबसाइट को पब्लिश करने का मतलब क्या होता है, नाउ देखो इसका मतलब, टिल नाउ वी हैव लर्न्ड हाउ टू डिज़ाइन अ सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर, नाउ लेट अस सी हाउ टू पब्लिश आवर वेबसाइट। इसका मतलब अभी मैंने क्या बोला, ये प्रैक्टिकल सेक्शन में आपको अलग से पूरा समझाऊंगा। मान लो कि हमारी प्रैक्टिकल वेबसाइट तैयार हो गई है जो मैंने आपको दिखाया, ये मान लो हमारी वेबसाइट है, जैसे वेबसाइट है पूरी की पूरी वेबसाइट ही है, इस वेबसाइट को हमने तैयार कर दिया है। अब इसको हमें लाइव करना है, राइट, लाइव करना है मतलब जैसे हमने यहाँ पे लिखा www.yahoo.com, ऐसे ही कुछ और साइट पे हम नाम लिखें और हमारा कंटेंट यहाँ पे आ जाए, दैट इज़ वेरी सिंपल। मैं आपको बिल्कुल ये लाइव करके भी दिखाऊंगा, कोई डाउट नहीं है इसमें, राइट। लेकिन अभी टेम्पररी इसको हम समझ लेते हैं कि ये क्या चीज़ है थियरी, ओके। नाउ टिल नाउ वी हैव लर्न हाउ टू डिज़ाइन अ सिंपल वेबसाइट यूजिंग कंपोजर, नाउ लेट अस सी हाउ टू पब्लिश। To publish a website means to transfer the web pages, images and style sheets related to the site. इसका मतलब क्या है, अगर वेबसाइट को हमें लाइव करना है तो मतलब हमारे जो कंप्यूटर में वेबसाइट जो बनाई है, हमने उस वेब पेजेस बनाए हैं, उसमें इमेजेस बनाई है। देखो मैंने आपको बताया ये क्या है, इतने सारे वेब पेजेस हैं, इसके अंदर देखोगे तो ये सारी इमेजेस पड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी इमेजेस है, ये सारे वेब पेजेस है, और ये स्टाइल शीट है, राइट। तो इसका क्या करेंगे हम, राइट, ये क्या करेंगे, क्या लिखा है देखो, ट्रांसफर द वेब पेजेस इमेजेस एंड स्टाइल शीट्स रिलेटेड टू द साइट टू अ वेब सर्वर फ्रॉम विच दे मे बी एक्सेस्ड बाय द यूज़र, यानी इस वेबसाइट को एक वेब सर्वर पे भेजना पड़ेगा। जनरली इस प्रोसेस को कहा जाता है अपलोडिंग, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड अपलोडिंग, यानी हमें इस वेबसाइट को एक वेब सर्वर पे भेजना पड़ेगा। अब इस वेब सर्वर का काम क्या होता है, अब थोड़ा सा और डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरनेट क्या है, राइट, वेबसाइट कैसे इंटरनेट पे आ जाती है, राइट। तो अगर मैं आपको इस इंटरनेट को समझाने की कोशिश करूं तो समझ लीजिए कि अगर मैंने पहले आपको ये बता सकता हूं कि इंटरनेट का मतलब समझने से पहले ये समझ लेते हैं वेब पेज का मतलब,
एक पेज जिस पे इंफॉर्मेशन है, एक डिजिटल पेज है जिस पे इंफॉर्मेशन है, जिस तरह से आपकी टेक्स्ट बुक का पेज है, मैंने पहले भी बताया है कि टेक्स्ट बुक के पेज को भी हम वेब पेज काइंड ऑफ कंसिडर कर सकते हैं, तो ये वेब पेज जो है एक तरह से टेक्स्ट बुक का पेज है जिसके ऊपर इंफॉर्मेशन है, जैसे ये पेज है इस पे इंफॉर्मेशन है, ठीक है। अब ऐसे बहुत सारे पेजेस साथ में हो तो हम बोलते हैं भाई हमारी टेक्स्ट बुक है, सारे बुक्स, सारे टेक्स्ट बुक जो इस एक पर्टिकुलर टेक्स्ट बुक के सारे पेजेस जो हैं आपस में जुड़े हुए हैं, पेज नंबर 1, 2, 3 इस तरह से हमारी टेक्स्ट बुक के जितने पेजेस हैं अबाउट 200, 300 सारे के सारे जुड़े हुए हैं आपस में, तो जुड़े हुए तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज अ इंटरलिंक पेजेस। सेम तरह से जितने भी पेजेस होंगे हमारी वेबसाइट पे वो सारे आपस में जुड़े हुए होने चाहिए, जब वो जुड़े हुए होंगे तो हम उसको बोलेंगे इंटरलिंक वेब पेजेस हैं, तो उसको मतलब हम बोल सकते हैं वेबसाइट है, लेकिन वेबसाइट वो कहाँ पे है, वो हमारे कंप्यूटर पे है, तो अब उसको हमें ले जाना है इंटरनेट पे। तो इंटरनेट क्या है, इंटरनेट एक वर्चुअल वर्ल्ड है जहाँ पे बहुत सारी वेबसाइट्स हैं, तो वेबसाइट डायरेक्टली नहीं आती है, वेबसाइट चाहिए वेबसाइट को स्पेस, राइट, जहाँ पे स्पेस चाहिए। अभी आप देखो ये हमारी वेबसाइट पड़ी है इधर, तो अगर मैं इस वेबसाइट पे राइट क्लिक करूँ, देखो ये हमारे जीएसएस ये वेबसाइट है, इसके ऊपर राइट क्लिक करूँ, इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके देखूँ, तो यहाँ पे आप देखो कि कुछ स्पेस डिमांड कर रहा है 6.25 MB, यानी ये जो स्पेस है ये मेरी डिस्क में इसने ऑक्यूपाई की हुई है और मैं अपने कंप्यूटर में वेब ब्राउज़र पे इसको देख सकता हूँ, दिस इज़ हाउ आई कैन सी ऑन माई वेब ब्राउज़र। और ये सारा का सारा कोड जो हमने बनाया है उसके लिए इमेजेस के साथ में इसकी पूरी स्पेस का रिक्वायरमेंट है 6.25, लेकिन वो 6.25 MB मेरी डिस्क में है और मेरी डिस्क मेरे कंप्यूटर में है। अब ऐसा कंप्यूटर जिसमें ये अवेलेबल है एक्सेस करना, वो तो मेरे पास है, अब वो इंटरनेट पे कहाँ से आएगा, इंटरनेट पे आने के लिए ऐसा मुझे ऑनलाइन कंप्यूटर चाहिए, अब ऑनलाइन कंप्यूटर में सेट करने जाऊँगा तो बहुत सारा खर्चा आएगा, तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम करते हैं एक रिक्वेस्ट वेब सर्वर से, ठीक है। देखो वेब सर्वर वो होता है, समझ लो जैसे हमारा कंप्यूटर है तो एक ऑनलाइन कंप्यूटर है, वेब सर्वर एक ऑनलाइन कंप्यूटर है जिसको हम बोलते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। देखो ISP ऑफर्स लिमिटेड फ्री स्पेस ऑन द वेब सर्वर, तो हमारे पास बहुत सारे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर हैं जो हमें लिमिटेड स्पेस दे सकते हैं हमारी वेबसाइट का, कि भाई आओ हमारे सर्वर पे आप अपनी वेबसाइट रख सकते हो, हम उसके लिए कोई आपसे चार्जेस नहीं लेंगे, लाइक दैट, ओके। तो अब यहाँ पे हमारे पास अभी इतनी जो हमने देखा 6.25 MB इसको लाइव करने के लिए चाहिए, ज़रूरी नहीं है 6.25 MB, इसके अलावा ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है, तो नियर अबाउट 500 MB तक हमें फ्री स्पेस मिलती है ऑनलाइन, हम उसको ट्राई कर सकते हैं दैट फॉर लिमिटेड टाइम पीरियड, तो वो हमें एक स्पेस देंगे। अब वो स्पेस देंगे तो हम स्पेस को आइडेंटिफाई कैसे करेंगे, क्योंकि इंटरनेट तो इतनी बड़ी दुनिया है, ठीक है। तो उसके लिए क्या होता है, अब आप समझो कि एक मार्केट है, मार्केट में क्या होती है, बहुत सारी दुकानें होती हैं, कोई भी मार्केट होगा तो उसमें बहुत सारी दुकानें होंगी कि नहीं होंगी, होंगी ना, राइट। तो अब आप सोचो कि कोई भी एक दुकान है तो उस दुकान का क्या होगा, उस दुकान का एक बोर्ड होता है, उसके ऊपर नाम लिखा होता है, समझ में आ रही चीज़ें आप लोगों को बच्चों, है ना। तो समझ लो कि जो एक दुकान है उस दुकान के ऊपर बोर्ड लगा होता है, बोर्ड के ऊपर नाम लिखा होता है, वो नाम उस पर्टिकुलर दुकान का है और उस दुकान की एक स्पेस होती है अंदर, भाई बोलेंगे हाँ 100 स्क्वायर फीट की दुकान है, 200 स्क्वायर फीट की दुकान है, 500 स्क्वायर फीट की दुकान है, कि भाई बहुत बड़ी दुकानें हैं, लेकिन उस दुकान के ऊपर बोर्ड होता है और बोर्ड का मतलब वो नाम हुआ। अच्छा वो मार्केट जो है वो मार्केट का एड्रेस होगा कि नहीं होगा, होगा ना, कैसे पहचानेंगे वो मार्केट कौन सी एरिया में, तो उसका एक एड्रेस होता है, तो वो मार्केट का एड्रेस हुआ, इसके अलावा उस दुकान का भी नाम होता है, दुकान का एड्रेस होता है, शॉप नंबर ये वो फलाना, राइट। तो वो सारा का सारा एड्रेस जो होता है एक दुकान को रेफर करता है। अब हमें क्या करना होता है, अगर हमें किसी दुकान पे जानी है, किसी दुकान पे जाना है तो उसकी एड्रेस होनी चाहिए, तो सेम वे हमारे पास अगर किसी वेबसाइट पे जाना है तो हमारे पास उसकी एड्रेस होती है। तो अभी हमने क्या किया है, अभी हमने क्या लिखा, ये लिखा yahoo.co.in या yahoo.com। अब ये जनरली क्या है, ये एक नाम है, नाम है दुकान का, अब इसकी एड्रेस ये नहीं है, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज़ और दिखाता हूँ, मैं जाता हूँ गूगल पे, एक काम करता हूँ, वॉट इज माई IP या वॉट इज IP ऑफ वेबसाइट, किसी भी वेबसाइट की कोई IP ढूंढनी हो, फाइंड IP ऑफ योर वेबसाइट और सर्वर और डोमेन, ऐसा देख लेते हैं। अब आप ध्यान से देखिएगा, मैं आपको एक छोटा सा डेमो दिखाने वाला हूँ कि यहाँ पे एक काम करते हैं, www.google.co.in,
ये लिखा है, इस पे लिखा है फाइंड आईपी। तो यहाँ पे एक आईपी एड्रेस आएगी, देखते हैं। ये देखो ये एक आईपी एड्रेस है, इस आईपी एड्रेस को मैं कॉपी करता हूँ। लेट मी कॉपी दिस आईपी एड्रेस। राइट नाउ मैं यहाँ पे एक तो गूगल गूगल लिख सकता हूँ, लेकिन सपोज़ कि मैंने यहाँ गूगल नहीं लिखा है, फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे याहू की साइट पे आ जाता हूँ। अब ये आईपी एड्रेस डालता हूँ, ध्यान से देखो 142.251.33.67। अब मैं एंटर मारता हूँ, जैसे ही मैंने एंटर मारा देखो कहाँ पे आ गए, हम आ गए google.com पे। मैंने तो google.com लिखा ही नहीं, मैंने तो एक आईपी लिखा। ये आईपी एड्रेस है गूगल का, किसी भी वेबसाइट, सभी वेबसाइट का एक आईपी होता है। राइट, कोई भी आईपी जैसे हो उसका एक वेबसाइट का आईपी होता है। मैं अभी न्यू टेस्ट करता हूँ, जैसे लिखता हूँ कि भाई न्यू टेस्ट क्या है, चलो यहाँ पे लिख देते हैं www.zoho.com। ये लिखा, यहाँ पे एक वेबसाइट का आईपी आना चाहिए जोहो का। लेट अस सी, आईपी एड्रेस यहाँ नहीं आया, न्यू टेस्ट कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। जैसे यूट्यूब का देख लेते हैं, www.youtube.com, youtube.com लिख दिया तो इसकी इतनी सारी आईपी आ गई। देखो दिस इज़ व्हाट द जनरल आईपीस। राइट, इसमें से इस आईपी को कॉपी कॉल करते हैं हम। ये क्या कॉपी, और यहाँ पे इंस्टेड ऑफ यूट्यूब मैं लिखता हूँ ये वाले एड्रेस। जैसे ये लिख दिया, ये गूगल का आया, youtube.co.in नहीं आना चाहिए था गूगल का। ये देख लेते हैं ये आईपी, दीस आर द आईपी एड्रेस रेफरिंग टू स्पेसिफिक वेबसाइट। चलो इसको कॉपी करके देखते हैं, इसको डालेंगे इधर, देखते हैं ये भी गूगल को रेफर कर रहा है। हम यहाँ पे देखते हैं youtube.com। राइट, इस एड्रेस को यहाँ पे कॉपी करेंगे। राइट, और यहाँ पे फाइंड में न्यू टेस्ट लेते हैं, न्यू टेस्ट में हमारा एक यूआरएल डालेंगे। राइट, फाइंड आईपी कर लेते हैं, ये आया आईपी। एरर डोम डिटरमाइनिंग, अच्छा एरर आ रहा है, ओके एरर आ रहा है इसलिए उसके गूगल पे जा रहा है, कोई इशू नहीं, हम दूसरा ढूंढ लेते हैं, बहुत सारी हैं। ठीक है, टेस्ट न्यू थिंग, यहाँ पे लिख देते हैं amazon.in, www.flipkart.com, flipkart.com। इसका आईपी क्या है, ये आईपी है देखिए, ये हम इसको कॉपी करते हैं। राइट, अब इसको यहाँ पे डाल देते हैं यूट्यूब के ऊपर एड्रेस बार पे। देखो इस आईपी को डाला, योर कनेक्शन इज एडवांस कर लेते हैं, कर देते हैं प्रोसीड, रीलोड करते हैं, एनी इश्यू। चलो एरर आ रहा है, बट आई होप कि आप समझे कि मैं क्या समझाना चाहता था। राइट, कि यहाँ पे आईपी का एड्रेस साइट 24/7 से www.amazon.in एक इनकी ट्राई कर लेते हैं, अगर नहीं आया तो गड़बड़ होगी तो देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं। लेट अस ट्राई दिस थिंग, इनवैलिड यूआरएल आ रहा है। ओके, सम व्हाट जैसे मैंने आपको बताया अलग अलग हैं, जैसे यहाँ पे अलग अलग दिया है, चेरी हिल पब, flipkart.com, व्यू रिजल्ट देखें ये क्या है, अबाउट अ मिनट अगो, टू मिनट्स अगो, इतने सारे लोग कर रहे हैं, ये टेस्टिंग कर रहे हैं, और ये आईपी चलना चाहिए जनरली, पता नहीं क्यों नहीं चल रहा है, बट मैं आपको जो समझाना चाहता हूँ वो आप समझ गए होंगे। राइट, अब ये हो सकता है इस वेबसाइट से प्रॉपर नहीं आ रहा हो, दैट इज़ ऑल्सो पॉसिबिलिटी कि ये वेबसाइट बराबर नहीं है फाइंड माई आईपी के लिए, दैट कैन ऑल्सो बी देयर। राइट, अगर मैं बताऊँ फाइंड आईपी, दूसरी देख लेते हैं, फाइंड आईपी एड्रेस ऑफ वेबसाइट, आईपी चेकर इसका देख लेते हैं, यहाँ पे डालते हैं flipkart.com चेक, देखें ये हैं, इतनी सारी चीज़ें आ गई हैं, ये आईपी यही आ रहा है। ठीक है, ये डाल के देखते हैं, अगर कनेक्ट नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा परमिशन, ओके कोई इशू नहीं। मतलब आपको मैंने जैसे बताया कि किसी का भी आईपी देखेंगे हम। राइट, तो आईपी जो आता है वो एक एड्रेस होता है, जैसे आईपी एड्रेस लिखा हुआ है। राइट, तो हम एड्रेस लिखें या आईपी एड्रेस लिखें, जैसे मैंने गूगल का दिखाया, आईपी डाल के दिखाया। राइट, गूगल का आईपी एड्रेस हमने ढूंढा था तो आ गया था। राइट, वैसे ही हम हर वेबसाइट का एक आईपी एड्रेस होता है, जो कि एक तरह से एक वेब सर्वर पे उस वेब सर्वर का आईपी होता है, और हमें वेब सर्वर का आईपी मतलब वो उस पर्टिकुलर पूरे के पूरे इंटरनेट पे, पूरे इंटरनेट पे वो एक यूनिक होगा आईपी एड्रेस। ओके, तो क्या करते हैं हम, क्या करेंगे इस वेबसाइट को पब्लिश करने के लिए, हमें एक तो वेब सर्वर पे एक स्पेस चाहिए, दूसरा आईपी चाहिए। आईपी इसलिए चाहिए होती, एड्रेस हो गई। अब कोई भी हमारी आईपी याद रखना मुश्किल होता है,
जैसे अभी गूगल की आईपी क्या थी आपको याद नहीं होगी, मैंने लिखी थी ऊपर, वो याद रखना मुश्किल है, तो उसकी जगह क्या याद रखते हैं, उसकी जगह हम नाम याद रखते हैं, कि जैसे बोला ना कि google.com राइट या flipkart.com, वो नाम याद रखना ईजी रहता है। तो किसी भी आईपी को नेम देते हैं थ्रू डीएनएस, उसको डोमेन नेम सिस्टम बोलते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि हमने यहाँ पे साइट का नाम दिया है स्कूल प्लाजा, फाइल को हम क्या है इसको करने के लिए एक सॉफ्टवेयर यूज़ करेंगे, सॉफ्टवेयर का नाम होता है एफटीपी सॉफ्टवेयर, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल कहा जाता है, जैसे फाइल जिला है एग्जाम्पल के तौर पर। और कोई भी जो आपका होम पेज होगा, वेबसाइट का होम पेज है, उसका मस्ट नाम होना चाहिए मस्ट index.html, इट इज़ मस्ट काइंड ऑफ थिंग, कि ये ऐसा ही नाम होना चाहिए, जो होम पेज है उसका नाम होना चाहिए इंडेक्स, जैसे मैंने भी यहाँ इंडेक्स रखा हुआ है index.html, कंपलसरी यही नाम होना चाहिए, तो वो हमारा फर्स्ट वेब पेज यानी फर्स्ट होम पेज होता है वेबसाइट का। तो साइट का नाम यहाँ स्कूल प्लाजा लिखा, और ये देखो HTTP एड्रेस हमने लिखा कि हमारा स्कूल ये जो है वेबसाइट वेब ब्राउज़र पे क्या लिखा जाएगा, लिखा जाएगा इस तरह से। अब कोई भी सोचो, जब हम अपना आईडी बनाएंगे वेब सर्वर पे, तो वहाँ पे हमें एक यूज़र नेम और पासवर्ड दिया जाएगा फॉर लॉगिन ऑनलाइन वेब सर्वर सिस्टम। तो वो यूज़र आईडी पासवर्ड जब हम कंफर्म करेंगे, तो हम अपने वेब सर्वर पे अपनी वेब स्पेस को एक्सेस कर सकते हैं। उस वेब स्पेस को एक्सेस करने के लिए यूज़र आईडी और पासवर्ड होता है, ठीक है। तो अब ये जो हमने कर दिया यहाँ पे वेबसाइट के अपलोड करने के लिए FTP जो सॉफ्टवेयर है उसमें हमारी सेटिंग्स को डाल दिया। जब सेटिंग्स को डाल देते हैं, तो हमको क्या करना होता है कि हमारा पूरा का पूरा जो भी कंप्यूटर में डेटा पड़ा हुआ है लोकेशन में राइट, वो ट्रांसफ़र करने के लिए हमारे अकाउंट में लॉगिन हो जाता है। फिर हमें क्या करना पड़ता है राइट, हमें पूरी की पूरी साइट की सारे के सारे जितने भी फोल्डर हैं उसको सिलेक्ट करके लिंक करके दिखाना होता है राइट। मैं आपको ये चीज़ भी दिखाऊंगा, डेफिनेटली दिखाऊंगा, जो हम साइट बनाएंगे उसको लाइव करेंगे, और मेरे पास वेब सर्वर भी है, उस वेब सर्वर पे लाइव करेंगे और आपको करके दिखा के लाइव भी करके दिखाऊंगा, ताकि आप उसमें अपना डेटा भी दोगे, डेटा में अपना डेटाबेस भी कनेक्ट करके दिखाऊंगा आपको। वो आपके भले कोर्स में नहीं है, लेकिन मैं अपनी ओर से करूंगा ताकि आपको एक अपडेट आ सके। तो इस तरह से क्या होता है कि साइट नेम हम सेलेक्ट करेंगे, पेज का टाइटल डालेंगे जैसे index.html है, फिर फाइल नेम देंगे, और ऑटोमेटिकली वो फाइल जो है जैसे ही होगी होम पेज पे वो नाम लिखा जाएगा, index.html खुलेगा, हमारी डायरेक्टरी जहाँ पड़ी होगी इमेजेस की वो भी बताना पड़ेगा। इतना सब करने के बाद सीधा हम पब्लिश करेंगे, तो क्या होगा, हमारी वेबसाइट पूरी की पूरी ऑनलाइन ट्रांसफ़र होना चालू हो जाएगी राइट। ये अभी सिर्फ मैं आपको बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल भी करके दिखाऊंगा राइट। अब यहाँ पे कुछ और बताया हुआ है, ये कंप्लीट हो जाने के बाद वेबसाइट हमारी लाइव हो जाएगी। तो लेट मी फिनिश अप दिस थिंग कि हमारे पास कंपोजर के अलावा बहुत सारे दूसरे भी सॉफ्टवेयर हैं, लाइक IDE सॉफ्टवेयर, aptana.com, aptana स्टूडियो है। aptana स्टूडियो क्या है, ये भी एक IDE है, लाइक जैसे कंपोजर है वैसा aptana भी है। aptana को डाउनलोड करने के लिए आप aptana.com को वेबसाइट पे जाके उसको डाउनलोड कर सकते हो। ये भी कंपोजर की तरह एक सॉफ्टवेयर है, उसको भी यूज़ करके देख सकते हो, जिसमें भी आपको कोडिंग अपने आप हो जाएगी। अब एक और है ब्लू ग्रिफिन, एक और ओपन सोर्स विजीविग है जैसे हमारा कंपोजर है, इसको भी आप डाउनलोड कर सकते हो bluegriffin.org से। ये याद रखिएगा bluegriffin.org वेबसाइट का नाम, aptana.com, क्योंकि ये MCQ में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं, 100% आते हैं, 100% मीन्स 100। एक और है अमाया, ये भी विजीविग है राइट, ये डेवलप बाय W3 कंसोर्टियम, W3C का मतलब वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, फुल फॉर्म याद रखिएगा, MCQ में पूछा जा सकता है। ये स्टार्ट हुआ था इनिशियली HTML CSS एडिटर के लिए, अभी ये एडिटर मैनी XML बेस्ड सिस्टम में काम करता है, और ये डाउनलोड करने के लिए w3.org/amaya वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं राइट। इसके बाद में हाँ, दिस वॉज द लास्ट थिंग ऑफ दिस चैप्टर राइट। तो इस चैप्टर का मैक्सिमम चीज़ें मैंने आपको समझाई है, मैंने क्या कहा कि थियोरेटिकली एक समझाऊंगा, एक वीडियो एक हम और देखेंगे सेक्शन, जिसमें पूरा का पूरा प्रैक्टिकली पूरी वेबसाइट बनाएंगे, इस वेबसाइट को कैसे लाइव किया जाए राइट, इस वेबसाइट को किस तरह से कंटेंट दिखाया जाए, सारी चीज़ें राइट वो हम इसमें बाद में देखेंगे प्रैक्टिकली। और इसके MCQ क्वेश्चंस मैंने हाईलाइट कर लिए हैं, देख सकते हो आप भी अपनी टेक्स्ट बुक में सिलेक्ट करके उनको हाईलाइट कर दो। चैप्टर नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर ये दिया हुआ है, 2 का ये दिया है, 3 का ये, 4 का, 5 का, 6 का, सबका आंसर बताया हुआ है, तो आपका ये काम पूरा बच जाएगा राइट। तो नेक्स्ट सेक्शन में हम देखेंगे किस तरह से हम पूरा का पूरा प्रैक्टिकल देखेंगे, और किसी को कोई सवाल हो तो सवाल पूछ सकता है राइट, या फिर इस वीडियो को अपलोड कर दूंगा तो कमेंट बॉक्स में भी डाल सकते हो, जो लिखना हो आप YouTube के कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हो राइट। आई होप यू ऑल गॉट दिस, मिलेंगे नेक्स्ट वीक अगले वीडियो में, अगले सेक्शंस में। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।